सर खाना खाना था। तो भैया बैठिए ना, खाइए, रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए तो खोल रखा है। सर आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खाना खाने के बाद पैसे नहीं दे पाऊंगा आपको। अरे पैसे नहीं दोगे? अरे भैया हमारे भी तो 1000 खर्चे हैं, अगर आपसे हम पैसे नहीं लेंगे तो हमारा रेस्टोरेंट तो ऐसे ही बंद हो जाना है। नहीं सर, पैसे तो मैं आपको दे के जाऊंगा। वो क्या, मैं पास की फैक्ट्री में काम करता हूँ, पहले तो मालिक रोज दिहाड़ी देते थे तो मेरा काम चल जाता था, अब वो बोल रहे हैं कि हम 10 दिन से देंगे, तो उसी चक्कर में मेरे पैसे खत्म हो गए। बस मैं पैसा दे जाऊंगा आपको 2 दिन बाद। अरे कोई बात नहीं भैया, आप 2 दिन बाद पैसे दे जाना। वैसे अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होते ना तो भी मैं आपको बिना खाना खाए यहाँ से जाने नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान किस मजबूरी में खाना मांगने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे सर एक बात बोलूँ आपको, आपके जैसा मालिक अगर हर होटल में हो ना तो कोई इंसान मजबूरी की वजह से भूखा नहीं रहेगा कभी। अरे कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपका खाना लगवाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वो मैंने खाना खा लिया। अच्छा हो गया तुम्हारा खाना, पेट भर के तो खाया ना, और कैसा लगा खाना? हाँ सर पेट भर के खाया, और बहुत अच्छा खाना आपका यहाँ का। चलो कोई बात नहीं, आप जाइए। वैसे सर मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो। अरे नहीं नहीं भाई, मेरी लंबी उम्र की दुआ मत करो, अगर दुआ ही करनी है तो ये दुआ करो कि मेरे रेस्टोरेंट पे और मेरे पे कोई परेशानी ना आए। ठीक है सर, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, और दुआ करूंगा कि जो आज परेशानी आने वाली है वो आपकी टल जाए। मतलब आज परेशानी आने वाली है, मैं कुछ समझा नहीं। अरे कुछ नहीं सर, मैं बस ऐसे बोल रहा था, मैं चलता हूँ। ठीक। हेलो सर। जी बताइए। मैं हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट से आऊँ आपके होटल का सर्वे करने। अरे सर सर प्लीज़ आप बैठिए ना, आपने मुझे बताया भी नहीं और आप बिना इन्फॉर्मेशन के आ गए। अरे सर पहले ही बता देंगे तो आप अलर्ट हो जाएंगे, तो सर्वे करने का मतलब ही क्या निकलेगा। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे मेरे रेस्टोरेंट में सब कुछ ओके, आप चेक कर सकते हैं। अरे सर सर्वे करने के लिए तो आए हैं, बाकी आप चेक करोगे आपके होटल का किचन स्टाफ एंड क्लीननेस कैसी रहती है आपके यहाँ पर। हाँ सर आप चलिए ना। देखिए सर कोयला तो हम इधर साइड में रखते हैं। आपके रेस्टोरेंट में काफी चीजें अच्छी हैं, बट कुछ कुछ चीजें बहुत खराब हैं और उनका चालान भरना पड़ेगा आपको। सर कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, बाकी तो हमने पूरे रेस्टोरेंट को अच्छे से मैनेज कर ही रखा है। अरे सर ये कुछ कुछ चीजें जो होती है जो कस्टमर पे भारी पड़ती है और उनका नुकसान हो जाता है, आप या तो चालान भर दो या मजबूरन मेरे को आपका रेस्टोरेंट सीज करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सर, रेस्टोरेंट को सीज मत कीजिए आप, यहाँ पे वैसे बहुत लोग काम करते हैं, उससे इनका घर भी चलता है, आप कोई और तरीका हो तो बताइए ना मुझे। और कोई तरीका तो एक ही है, आप हमारा मीठा मुंह करवा दीजिए, बाकी तो आप समझदार हुई। ठीक है सर मैं करता हूँ व्यवस्था। सर एक मिनट रुकिए। अरे सर आप यहाँ कैसे हैं और आपने कैसा आउटफिट पहन रखा है आज? अरे नहीं सर ये आपको कोई गलतफहमी हो गई, ये तो हमारे कस्टमर है और ये मुझे बोल रहे थे आपको नहीं। अरे सर गलतफहमी तो आपको हो रही है, ये हमारे डिपार्टमेंट में सीनियर है और मैं तो इनके अंदर ही काम करता हूँ। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं? वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैं उनका सीनियर हूँ। पर सर आप तो मेरे रेस्टोरेंट में बिना पैसों के खाना खाने आए थे और ऐसे कपड़ों में, ये क्या चक्कर है मेरे को समझा नहीं। सर इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं इस रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं इस वजह से आया था कि जो हमारे सर दिख रहे हैं ना आपको, इनकी करतूतें चेक करने के लिए, और मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई साहब को मीठा खाने का बहुत ज्यादा शौक है। क्यों नितिन सर क्या कहते हैं इस बारे में आप? अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सुना था इनके रेस्टोरेंट में अच्छी मिठाई बनती है, बस वो ही मिठाई खाने की बात कर रहा था मैं। अरे नितिन सर मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब मैं छुट्टी पे रहता हूँ ना और आप जिस होटल का सर्वे करने जाते हो ना मेरे पीछे से, वहाँ से आप ऐसी मिठाई खाते हो। अरे मिठाई के नाम पे रिश्वत खाते हो आप। अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो इनके रेस्टोरेंट की कमियाँ भी बताई है और इनको चालान भरने के लिए बोला है। अरे इनके रेस्टोरेंट की कमियाँ और अच्छाइयाँ तो जब मैंने खाना खाया था तभी चेक कर ली थी, इस रेस्टोरेंट के अंदर मैं तुम्हारी हरकतें और इनकी जो कमियाँ हैं वो देखने के लिए आ गया था पहले से ही। और रही बात चालान की, जिसको चालान काटना होता ना वो ऐसे मिठाई वाली बातें नहीं करता है, और इस डिपार्टमेंट में मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ तो तुम मुझे मत सिखाओ कि मिठाई और रिश्वत में क्या फर्क होता है। सॉरी सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अरे आगे से तो तुम तब करोगे ना जब तुम्हारी नौकरी रहेगी, तुम तो ऑफिस चलो, तुम्हें बताता हूँ मैं। और सुनो ये जो तुम रिश्वत लेते हो ना
इसकी वजह से तुम जो होटल वालों की कमियां होती है उनको ठीक कर देते हो, उनको लोगों को बताते नहीं हो, उनके ऊपर चालान नहीं बनाते हो, उसकी वजह से जो लोग कस्टमर वहाँ खाना खाने आते हैं उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है और पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती है। इन सबके जिम्मेदार तुम जैसे लोग होते हैं। चलो यहाँ सब सुनिए सर, मैं चाहूँ तो आपका रेस्टोरेंट सीज भी कर सकता हूँ, लेकिन आप एक भले आदमी हो। जब मैंने खाना खाया सुबह तो वो चीज़ें नोटिस कर ली थी और मैंने आपको सुबह एक बार बोली थी कि आज जो परेशानी आपके ऊपर आने वाली है वो टल जाएगी। और आपके रेस्टोरेंट में कमियां तो हैं लेकिन बारीक बारीक सी छोटी छोटी कमियां हैं, तो मैं आपको 2 दिन का मौका देता हूं कि 2 दिन में वो कमियां आप सुधार लीजिए ताकि कस्टमर को परेशानी ना हो, वरना उसके बाद मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सर, आप बेफिक्र रहिए, उन्होंने जो मुझे छोटी मोटी कमियां बताई है ना मैं उन्हें आज ही ठीक करवा दूंगा। चलो अच्छी बात है। और सर ये लीजिए आपके सुबह के खाने के पैसे।